कई बार होई कैसे लटकई हन मांग करते करते लटकई हन घला या कलेक्टर ला जाय हन तोर सीएम ला जाय हन तोर फिर जनपद पंचायत ला विधायक तीनन में मुते ला नहीं आवाई तीर तारो खरसा नहीं देखन भाई। आज हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के पंडरिया विकास खंड अंतर्गत सुदूर वनांचल में मौजूद ग्राम पंचायत कुकदुर के आश्रित ग्राम सजन खार में, जहां सिर्फ बैग आदिवासी निवास करते हैं और लगभग 25-30 साल से यहां पर रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इतने साल के रहने के बावजूद इनके जो किलकिला नाला है उसमें आज तक पुलिया का निर्माण नहीं हुआ है। दरअसल इनके गांव से ग्राम पंचायत मुख्यालय जाने वाली सड़क के बीच में एक नाला पड़ता है जिसे किलकिला नाला कहते हैं, लेकिन इनके कई अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी नाले में पुलिया का निर्माण नहीं हुआ है और वो बहुत परेशान है। उनके आने जाने में बाधा होती है, ना ही एम्बुलेंस इस नाले को पार करके उनके गांव में आ पाती है, ना ही बरसात के दिनों में जब बाढ़ आ जाती है तो यहाँ के बच्चे स्कूल कॉलेज आना जाना कर पाते हैं। साथ ही खेती के कार्य और अन्य कार्य करने के लिए इन्हें इसी नाले से होकर गुजरना पड़ता है और इस समस्या से यहाँ रहने वाले लगभग 200 बैगा आदिवासी बहुत परेशान है। जब हमने यहाँ के समुदाय के लोगों से बात की तब उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। कई बार हो गए अभी तक देते देते हमारे यहाँ तीन सवाद में हमन तेन ला हमन ला सरकार पुलिया उलिया दे दे नाला में दुनो नाला में भाई, फिर हमारे व्यवस्था करे। बार बार हो गए कई बात हो गए अभी तक देते देते हो वैसे नहीं। 40 अकलई का होते है कुछ ज्यादा घला होते है, फिर हमारा यहाँ पुलिया बनना चाहिए, हमारे गांव के विकास होना चाहिए। जिन रोड में पुलिया नहीं बने हो रोड है कहाँ से कहाँ तक जाते, या एकदम से पड़ी खारते भेड़ागढ़ तक जाता है, फिर कुछ दूर के बड़े रोड में जाता है। हमारे यहाँ छेका जाता है बाजार जा नहीं सकन, कोनो दिन लड़का पढ़े ला नहीं जावा या नहीं सकते, उनको परेशानी है। बाढ़ बहुत रहता है, अभी घला गहरा है, फिर अभी सूखा भर तो ठीक रहता है, पानी आई ताले फिर बहुत पूरा आ जाता है बाढ़, बोलिए नहीं जावे ना फिर तर गाड़ी मोटर कुछ फटफटी नहीं ना कर सकते, बाढ़ आहिस्ता दिलवारी वारे बोह के लिए वह पार, तब फिर हमार काम बंद है, नहीं तो कुछ बन नहीं सकते। 30-32 साल हो गए, 30-32 साल में पुलिया नहीं बनी से। नहीं बनी से हमला पूछा चाहे नहीं, हमला बिल्कुल फेंके सही कर दे से, पंचायत गला सरकार गला तो वोट काबर ले ही हमारे साथ। का परेशानी हुआ थे, पुलिया नहीं है किलकिले नरवम ते खेर वजह से बिकट परेशानी हुआ थे, बनी बूता जात हम तबली में छका जात हम बाजार हट जात हम तब छका जात हम बना चे नहीं तो कोई ध्यान नहीं दे सरपंच ध्यान देवे ना सचिव ना अपन पुलिया न्याय ते घर पढ़े मन घर छका जात है आते जात है ता गाय गरु ऊपर नक्श है तब छका जात है। जब गर्भवती रही थे कोनो महिला है आपके गांव की तब वो लगा समस्या होते है तो बस न का थे करती ऊपर न का ले थे गाड़ी छोड़ा नहीं आ रहा परेशानी होता नहीं बनना नहीं बने तो कैसे बन जाती हमारे फुर्सत रहे। सजन खार गांव में रहने वाले 200 से अधिक बैगा आदिवासियों की नाले पर पुल नहीं होने की समस्या को लेकर सामुदायिक बैठक की गई और बैठक के दौरान ही जनपद पंचायत के सीओ के नाम से आवेदन तैयार किया गया। तैयार किए गए आवेदन को समुदाय के साथ पंडरिया जनपद पंचायत विजिट कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आवेदन पत्र सौंपा गया। साथ ही इस समस्या के त्वरित समाधान के लिए सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक व्हाट्सएप पर इस समस्या के बारे में लिखकर शेयर भी किया गया। ग्राम पंचायत कुकदुर के आश्रित ग्राम सजन खार में रहने वाले लगभग 200 से अधिक बैगा आने जाने की समस्या से परेशान है, क्योंकि उनके ग्राम पंचायत कुकदुर तक पहुंचने वाले मार्ग में किलकिला नाला पड़ता है और उस नाला में आज तक पुल नहीं बना है। इस समस्या को लेकर आज हम जनपद पंचायत पंडरिया मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कार्यालय पहुंचे थे, जहां हमने उनसे मुलाकात की और बात की है, साथ ही उन्हें आवेदन सौंपा है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही इस पर विचार कर
समस्या का समाधान किया जाएगा। अभी आपने देखा कि ग्राम पंचायत कुकदुर के आश्रित ग्राम सजनखार में रहने वाले 200 बैगा आदिवासी, इनके गांव से कुकदुर तक जाने वाली सड़क के बीच में जो किलकिला नाला बहता है उसमें पुल नहीं बनने के कारण कितने परेशान हैं। यही रास्ते से उन्हें स्कूल भी जाना पड़ता है, कॉलेज भी जाना पड़ता है और तहसील अस्पताल भी इसी रास्ते का प्रयोग करके जाना पड़ता है। और इसी रास्ते में पड़ने वाला किलकिला नाला में आजादी के 70 साल बाद भी पुल नहीं बनने की वजह से बहुत परेशानी हो रही है। ये अपने दैनिक कार्य भी नहीं कर पा रहे हैं और अपनी व्यथा बता रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनकी मदद हो और जल्द से जल्द इनकी समस्या का समाधान हो सके तो मैं यहाँ के जनपद पंचायत के सीओ का नंबर देना चाहूंगा, जिनका नंबर है 83190-77-327। इन नंबरों पर फोन करें और बात करें ताकि जल्द से जल्द इनकी समस्या का समाधान हो सके। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले से मैं नर्मदा प्रसाद, इंडिया अनहर्ड के लिए।